नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करेंगे। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर प्रज्ञा जी ने हमें कमेंट किया था कि चाइना वालों ने एक ऐसा जेल बना लिया है जिसके इस्तेमाल करने से आपके दांत की जो कैविटीज हैं या गड्ढे हैं, दांतों पर जो भी प्रॉब्लम है उन्हें दूर कर देगा, दांत जो साइड से घिस गए हैं उनकी समस्या को दूर कर देगा, और भी बहुत सारी समस्या है जिनका निदान ये जेल कर देगा। तो मैं उन्हीं के आधार पर मुझे लगा कि हो सकता है कि कुछ सच्चाई हो, तो मैंने इसके विषय में सर्च करनी शुरू की। जैसा प्रज्ञा जी ने कहा था, वास्तव में ऐसा है, चाइनीज कंपनी इसके विषय में कार्य कर रही है। परंतु दोस्तों, चाइनीज कंपनी का एक तो मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि ये कहते कुछ है होता कुछ और है, मुझे इन पर विश्वास नहीं। काफी बात ये झूठी बोलते हैं, इन्हें इनका एक ही टारगेट होता है, पैसा कमाना, बस सिर्फ पैसा कमाना। तो प्रज्ञा जी, चाइनीज कंपनी वाले कब रिजल्ट निकालेंगे कुछ पता नहीं, परंतु इजराइल की एक कंपनी ने ये दवा बना ली है, ये जेल बना लिया है, और ये जेल उनके यहाँ मार्केट में उपलब्ध है, ऑनलाइन अवेलेबल है। इस जेल को आप मंगाकर प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल कंट्री के विषय में सबको पता है वो रिलायबल चीजें बनाता है, उनकी चीज बहुत स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। और जो वो कहते हैं ना, अगर वो कह रहे हैं कि जेल दांत की रिपेयरिंग करेगा, तो वास्तव में वो रिपेयरिंग करेगा, इतना मुझे विश्वास है। तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ कि प्रज्ञा जी, चाइनीज कंपनी के तो छोड़िए, पर इसराइल की कंपनी द्वारा बनाया हुआ ये जेल आप मंगवा सकते हैं। मैं इसका ऑनलाइन बाय करने का लिंक भी लास्ट में देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखकर वहां जा सकते हैं। इसके विषय में एक वीडियो भी है, हालांकि मैं उस वीडियो को चला नहीं सकता क्योंकि मुझ पे कॉपीराइट एक्ट आ जाएगा, तो थोड़ा सा मैं चलाकर आपको दिखला देता हूँ। पर इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन्होंने इस प्रोडक्ट के विषय में पूरी जानकारी दी हुई है, और उस साइट का भी मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, आप जाकर यहां से सब कुछ देख सकते हैं। जब लगे कि ये दवा सही है तो आप इसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस दवा के बारे में। दोस्तों, हमारे दांत अगर देखा जाए तो प्लेन ही लगते हैं। जब आप दांत को माइक्रोस्कोप से चेक करेंगे तो एनिमल की परत नॉर्मली, अगर आप हाथ भी फेरें तो वो नॉर्मली लगती है, उसमें कुछ भी आपको ये नहीं लगेगा कि इसमें गड्ढे हैं। पर जब माइक्रोस्कोप से उसे एनलार्ज करते हैं, बहुत बड़ा, पहले यहाँ छोटा किया, नॉर्मल दांत इतना सा होगा, जब इसे इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा करके देखेंगे तो आप पाएंगे दांत के जो इनेमल होते हैं, जिन्हें कि हम ठोस मानते हैं, उनके अंदर भी बारीक बारीक गड्ढे होते हैं। उन गड्ढों में बैक्टीरिया के कण, जैसे आप कुछ खाना खाते हैं वो जाकर बैठ जाते हैं, आप गुटखा खाते हैं वहां जाके बैठ जाते हैं, और बैठने का सिलसिला ये निरंतर चलता रहता है। एक समय आता है कि जो काले रंग के या पीले रंग के जो जीवाणु या बैक्टीरिया है वो वहां पर बहुत सारी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, और वो वहां से दांत फिर आपको पीला नजर आने लगता है। ऐसे ही आप एसिडिक चीज खाते हैं तो दांत आपका काला नजर आने लगता है, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू वगैरह जो यूज करते हैं उसके कारण भी उस जगह उनके दांत काले पीले नजर आते हैं। ये होता इसलिए है कि जो आपके दांत में बारीक, बहुत बारीक गड्ढे हैं, वहां पर इन बैक्टीरिया, इन खाद्य पदार्थों के बहुत ही बारीक सूक्ष्म कण जा जाकर बैठे लगते हैं, धीरे धीरे वो जगह पूरी भर जाती है, और उन्हीं के कारण जब ये जगह उनसे भर जाती है तो उनके जो कलर है ना, उस कलर का ही दांत में असर दिखने लगता है, दांत उस जगह से वैसा ही नजर आने लगता है, पीले हैं तो पीले, काले हैं तो काले। दांत में जब जीवाणु ज्यादा समय तक रहते हैं, भाई जो शैतान होता है तो वो तो शैतानी करने से बाज नहीं आएगा, जब ज्यादा जीवाणु हो जाते हैं तो वो अपना काम भी शुरू करते हैं, दांत में खड्डे होने शुरू होते हैं, दांत में सड़न शुरू हो जाती है, बहुत सारे काम होते हैं जो उन जीवाणुओं के कारण होते हैं, और उसी से आपके दांत के खराब होने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, मुंह से बदबू आने लगती है, क्योंकि जीवाणु है उनके कारण मुंह से बदबू भी आएगी, बहुत सारे जीवाणु इकट्ठे हो जाते हैं तो वो आपके मुंह में बदबू भी पैदा करेंगे। ऐसे में ये दवाई या ये जेल जो कि इजरायली कंपनी ने बनाया है, वो जेल वहां पर जाकर बैठने लगता है। वो क्या काम करता है, जीवाणु अंदर जाके बैठे हुए थे ना दांतों के खड्डों में, बहुत ही छोटे सूक्ष्म, जिसे कहते हैं ना बहुत ही सूक्ष्म जगह है जहां पर जीवाणु जाकर बैठ रहे थे और उनके कारण दांत आपके पीले नजर आ रहे थे, उस जगह पर ये जेल घुसने लगता है, जीवाणु बाहर आते हैं, ये अंदर से घुसना शुरू कर देता है, तो जीवाणु बाहर आते जाते हैं और ये जो जेल है वहां पर
उन खड्डों में अपना असर छोड़ने लगता है, जिससे वो एरिया भरने लगता है, और भरते भरते एक समय ऐसा आता है कि वो जगह जीवाणु के लिए बचती नहीं, खड्डा ही नहीं बचता, खड्डा भर जाता है। क्योंकि कलर इसका व्हाइट था तो आपके दांत भी व्हाइट हो जाएंगे, और ये लेयर पूरे दांतों में बन जाती है, जिससे आपके दांत कभी खराब ही नहीं होंगे। आपके दांत पहले से ज्यादा चमकदार नजर आएंगे, आपके दांत पीले नहीं रहेंगे, उन पे बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू के दाग नहीं रहेंगे, किसी प्रकार के एसिटिक पानी का असर उन पे नहीं रहेगा, कोई भी चटपटा आप खाते हैं उसका असर भी दांतों पर नहीं होगा। तो बहुत सारी बीमारियों का अंत ये जेल कर देगा। अभी कैविटी को फिल करने में ये कितना सक्षम है, इस पर अभी जांच होना बाकी है, मतलब ट्रायल चल रहे हैं। बाकी दांतों पर एक सुरक्षा परत बनाने में ये कामयाब हुआ है, इसी कारण ये दवा मार्केट में लॉन्च हो गई है, और इस दवा को इजराइल देश द्वारा मंजूरी मिल गई है। कई देशों में ये दवा बिक रही है, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, खास तौर पर इसराइल में तो ये दवा उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है इस जेल का इस्तेमाल करने का, आप भी इस दवा को दिए गए लिंक पर जाकर बाय कर सकते हैं। ये आप अपने रिस्क पर करें, क्योंकि मैंने इस दवा का पर्सनली इस्तेमाल नहीं किया है, और इंडियन मेडिकल अथॉरिटी द्वारा अभी इसके विषय में कुछ कहा ही नहीं गया है, मगर इजराइल जैसे देश ने इसकी मंजूरी दी है, इसी कारण मैं ये वीडियो बनाकर आपको बता रहा हूँ। तो ये आप जो भी करें अपने रिस्क पर करें। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इनकी साइट विजिट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं इसमें क्या साइड इफेक्ट है, क्या इसके फायदे हैं। प्रज्ञा जी, मैंने कमेंट में भी कहा था कि दवा उपलब्ध हो सकती है चाइनीज जेल का, मुझे पता नहीं। तो आशा करते हैं प्रज्ञा जी आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई होगी कि ये जेल मार्केट में अवेलेबल है, इसका इस्तेमाल आप कर पाए। अगर ये जानकर आपको प्रसन्नता हुई तो वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसी आस के साथ कि अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये चैनल सर्वाइव कर सके, वरना ये चैनल कितने समय तक चलेगा मेरा भी कहना मुश्किल है। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।